सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पॉल कोगवे के जीवन एवं उनके कर्तृत्व एवं कला कार्य पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने पॉल कोगवे के कुछ प्रमुख चित्रों एवं उनके जीवन के बारे में चर्चा की। आज पुनः हम पॉल गोगविन अर्थात गोगवे के कुछ शेष चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। नाम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके नाम के उच्चारण में हमें पॉल गोगविन अथवा पॉल गोगवे अथवा पॉल गोग्या कई नामों से इनको ऐसे ही नामों से पुकारा जाता है। हम इनको पॉल गोगवे के नाम से उच्चारित करेंगे। आज हम उनके टाहिटी में बनाए गए प्रमुख चित्रों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। टाहिटी से पहले इन्होंने मार्टिनिक में जो चित्र बनाए वह आप इस स्लाइड में देखिए। इस समय इन्होंने मार्टिनिक में जो बनाए उसमें यह लैंडस्केप हैं जो 1887 ईस्वी में 1887 में इन्होंने बनाया है। यह भी इसी समय के चित्र हैं मार्टिनिक के। यह 1887 के कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हो। हट्स सेस लेस अरबेस यह उनका चित्र है। इसी प्रकार ओल्ड डी मेर एट द पोंड तालाब ये वार्तालाप कन्वर्सेशन इस प्रकार के कुछ चित्र हैं जो चित्र इन्होंने मार्टिनिक में बनाए हैं विशेष रूप से। आज हम उनके टाहिटी वाले चित्रों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। टाहिटी का ये उनका रेजिडेंस है, आप इस चित्र में देखें। टाहिटी आते ही वे शहर से दूर जंगल में झोंपड़ी में रहने लगे, जो आप इस चित्र में स्लाइड में देखो, और यहाँ से समुद्र व पहाड़ों के रमणीय दृश्य उनको दिखाई देते। उन्होंने यहाँ के आदिवासियों में आना जाना शुरू किया व एक आदिवासी स्त्री से वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह भी कर लिया। इसने पॉल गोगवे ने यहाँ का रहन सहन कम खर्चीला था व आदिवासी लोग स्वभाव के सरल व दूसरों की मदद करने में तत्पर थे। यहाँ इन्होंने देखा तेजस्वी सूर्य प्रकाश, चमकीले रंगों से नेत्रों उद्दीपक प्राकृतिक वातावरण एवं गूढ़ शक्तियों का अंधविश्वास करने वाले भोले भले आदिवासियों के अनोखे रीति रिवाजों को देखकर गोगवे को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर लिया जिसकी अब तक वे खोज कर रहे थे। उनको यहाँ टाइटी आकर ऐसा लगा वे सभ्य यूरोपीय जीवन को भूल गए और यहाँ के आदिवासियों की सुडोल सांवली आकृतियों, उनके रहन सहन व रीति रिवाजों व प्रकृति के सुहावने दृश्य को चित्रित करने में मग्न हो गए, व्यस्त हो गए। कहाँ पे? टाहिटी में। कौन? पॉल गोगवे। एक साल के अंदर ही इन्होंने करीब 60 चित्र और कई रेखा चित्र और काष्ठ खुदाई के चित्र यहाँ पर पूर्ण किए। टाहिटी के चित्रों को गोगवे ने अपने पूर्व कथित सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया, किंतु उनमें नया जोश, अनोखी चमक व रहस्यमयता आ गई। टाहिटी से गोगवे खुश थे। यहाँ उनको आनंद मिला, शांति का अनुभव हुआ, किंतु यहाँ बीमार पड़ने के कारण वे कुछ चित्रों को पेरिस बेचने के लिए, लेकिन वो चित्र वहाँ पे बिकते नहीं। 2 साल के निवास के बाद ही वापस वे फ्रांस आए। ये रिटर्न ओ फ्रांस जो लिखा हुआ है इसमें आप देखिए, यहाँ पे उनके कुछ चित्र हैं जो आप इसमें देख सकते हो। इसके पश्चात गोगवे ने मोमपारनास में भी कोई किराया का कमरा लिया और उसमें स्मृति चिन्हों, चीनी लटकनों, अजीब वस्तुओं को दीवार पर लगाकर उन्होंने कुछ प्रदर्शित भी किया।
धुरा रोयल ने उनके टाहिटी के चित्रों की प्रदर्शनी की। अर्धविवस्त्र ताम्रवर्णी आदिवासियों के अद्भुत वातावरण के अंतर्गत बनाए चित्रों को सुंदर कलाकृतियों के रूप में स्वीकारना बहुत से दर्शकों, कला समीक्षकों व कलाकारों के लिए मुश्किल था। उस समय जो धुरा रोयल ने टाहिटी के चित्रों की जो प्रदर्शनी की, किनके चित्रों की? पॉल गोगवे के चित्रों की। उनमें अर्धविवस्त्र ताम्रवर्णी आदिवासियों के अद्भुत वातावरण के अंतर्गत बनाए चित्रों को सुंदर कलाकृतियों के रूप में उस समय के दर्शक, समीक्षक, कला समीक्षक उसको स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। इसके अलावा गोगवे ने वस्तुओं के नैसर्गिक रंगों की जगह इन चित्रों में मर्जी आए रंग लगाए, जैसे स्वाभाविक रंगों का प्रयोग किया। जिस प्रकार इन्होंने इन चित्रों में कहीं गुलाबी रंग का घोड़ा बनाया तो कहीं नीले रंग का कुत्ता चित्रित कर दिया। मनोहर व चमकीली रंग संगति का लक्ष्य सामने रखकर जगह जगह ऐश अनैसर्गिक रंगों का प्रयोग पॉल गोगवे ने किया। मोने, रेनवार व पिसारो को संदेह हुआ कि यह किस ढंग का कलाकार है, किस ढंग की कला है। प्रभाववादियों में से केवल देगा ही ऐसे थे जो पॉल गोगवे की कला को समझ पाए और उनमें उनको उज्जवल भविष्य दिखाई दिया और कई चित्र उन्होंने खरीदे। कवि मालार में उनके चित्रों को देखकर तो मुग्ध हो गए एवं उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि गोगवे अपने चित्रों को इतने चमकीले व रहस्यपूर्ण कैसे बना सकते हैं। विंसेंट वान गो व पॉल गोगवे में अच्छी मित्रता रही है। इसी समय टाहिटी में जो चित्र बनाए उनमें इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, ये वाला जो चित्र है यह इनका बहुत ही अच्छा चित्र है। इससे पहले वुमेन विद फ्लोवर 1891 में इन्होंने टाहिटी में, यह उनका पहला चित्र है जो आप इस स्लाइड में देखो, वुमेन, ये वाला जो चित्र है, ये वाला चित्र, ये जो है 1891 में बनाया गया इनका टाहिटी का पहला चित्र है वुमेन विद फ्लोवर। और इनमें रंगों की आप तेजस्विता देखिए, संयोजन देखिए, एक अलग ही प्रकार का संयोजन आपको और चित्रों में चित्रण की पद्धति नज़र आती है। तो ये जो चित्र बनाया, ये वाला, ये निराश अवस्था में इन्होंने चित्रित किया और इस चित्र का शीर्षक है हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार का जो ये इनका इनके द्वारा बनाया गया विशाल चित्र है, इस चित्र में आप देखिए कि चित्र की पृष्ठभूमि में समुद्र के किनारे पर जंगल का दृश्य चित्रित किया गया है। वह चित्र संयोजन चित्रकार शावान के चित्र पवित्र कुंज के समान इसमें हैं। इस चित्र में मध्य में खड़ी आदिम स्त्री शाखा से फल तोड़ते हुए चित्रित की है। वह दोनों तरफ स्त्रियों व बच्चों की आकृतियाँ मानव की भिन्न अवस्थाओं की ओर संकेत करते हुए चित्रित की गई है। किसने की? पॉल गोगवे ने। पृष्ठभूमि में नीले प्रकाश में चमकती हुई मूर्ति व दो गुलाबी रंग की अस्पष्ट आकृतियाँ इसमें चित्रित की गई है एवं एक झुकी हुई विशाल आकृति को आश्चर्य के भाव में चित्रित किया गया है, दिखाया गया है। और उसका ये आश्चर्य ऐसा लगता है कि ये मानव अपने भविष्य के बारे में कैसे सोच सकते हैं, इस प्रकार वह आश्चर्य करती हुई सी इसमें चित्रित की गई है। मालार्मे ने तो इस चित्र के बारे में यहाँ तक लिखा कि यह संगीतमय काव्य है। गोगवे ने इस चित्र के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया कि इसमें रूपक वगैरह कुछ नहीं है, यह मेरा अस्पर्शनीय स्वप्न है। कैसे भी हो, इस चित्र में कूड अवर्णीय भाव जरूर नजर आते हैं। गोगवे की मृत्यु के बाद पेरिस के तरुण कलाकारों पर इनके कला का प्रभाव बढ़ता गया। वह प्रभाववाद को उन्होंने त्याग कर नवीन दिशाओं में प्रयोगशील हुए। उनकी कला का अन्य कलाकारों के लिए क्या महत्व है, इस पर भी पॉल गोगवे ने लिखा कि मैंने ये प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया है कि कलाकार को अपने विचारों के अनुसार कला में हरेक नवीन साहस करने का अधिकार है। प्रतिकूल परिस्थिति व सीमित सामर्थ्य के कारण मैं महान सफलता को प्राप्त तो नहीं कर सका, किसने कहा? पॉल गोगवे ने, किंतु मैंने जरूर आरंभ किया है। जनता मेरी ऋणी नहीं है क्योंकि मेरी कला का केवल सापेक्ष महत्व है।
किंतु जो कलाकार मेरे प्रयत्नों से बंधन मुक्त हुए उनको मेरा कुछ ऋण अवश्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार के विचार पॉल गोगवे के रहे हैं। गोगवे के जीवन की संघर्षमयता को देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने न केवल कला निर्मिति की बल्कि ऐसी कला निर्मिति की जिसने आधुनिक कला को नई दिशा में मोड़ दिया। गोगवे कहते, मैं सत्यार्थ में आदिम हूँ, किंतु हम भूल नहीं सकते कि उनकी कला को परिपक्व विचारों का आधार था एवं उसके प्रति पीछे ध्येय निष्ठ अभ्यास का सामर्थ्य था। वान गो के समान केवल भावनाओं पर निर्भर न रहकर वे चित्रण करते। नए चित्र की कल्पना मन में सुनिश्चित होते ही वे उसके लिए आवश्यक जानकारी व अभ्यास व निरीक्षण प्राप्त करने लगते। उनके ताहिती के चित्रों से स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोगों के रीति रिवाज, विचार, कल्पना, निष्ठाएं, पोशाक, रहन सहन एवं वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के अंग प्रत्यंगों के जैसे वृक्ष, फूल, पौधे, फल वगैरह के चित्रण से पहले उन्होंने कितना गहरा निरीक्षण किया है, अनुभव किया है, प्रत्यक्षीकरण किया है। गोगवे के कला संबंधी लेखों व मित्रों को लिखे पत्रों से उनकी अभ्यासवर्ती का हमें परिचय होता है। सुस्थापन, संतुलन, संयोजन, लय, प्राधान्य, संपूर्ण प्रभाव वगैरह सभी कलात्मक गुणों का विचार करके बनाए गए उनका यह प्रत्येक चित्र उनके निर्माण कौशल को दर्शाता है, उनके निर्माण कौशल का साक्ष्य है। आप इन चित्रों में देखिए। उनकी कला को संश्लेषणवादी कहना उचित होगा, यद्यपि वे अपनी कला को किसी वाद में सीमित नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उससे सौंदर्य तत्व व कलाकार की सृजनशील कल्पना का मधुर मिलन है। उन्होंने एक और विख्यात चित्र बनाया, हम मेरी का स्वागत करते हैं। आप इस स्लाइड में देखना, ये वाला जो चित्र है यह भी इनका प्रसिद्ध चित्र है, हम मेरी का स्वागत करते हैं। इसका विषय बाइबल संबंधी एवं पूर्ण काल्पनिक है, परंतु चित्र का वातावरण टाहिटी के प्रकृति सौंदर्य को स्मरण दिलाता है। वह चित्र के अंतर्गत मानवाकृतियां ऐसी प्रतीत होती है कि टाहिटी के कुछ आदिवासियों को प्रत्यक्ष देखकर बनाई गई हो। बच्चे को कंधे पर लिए हुए एक महिला को इसमें मेरी व बाल ईशा के रूप में पॉल गोगवे ने चित्रित किया है। वह उनके शिरों के ऊपर तेज चक्र भी बनाए हैं। दो आदिवासी स्त्रियों को प्रार्थना करते हुए वह एक सपक्ष देवता को मेरी की ओर से निर्देश करते हुए इसमें चित्रित किया गया है। प्रार्थना करने वाली स्त्रियों की मुद्राओं में जावा के एक मंदिर शिल्प का अनुकरण है। चित्र संश्लेषणवाद का सुंदर यथोचित उदाहरण है। आप इसमें रंगों को देखिए, संयोजन को देखिए। प्रभाववाद से विपरीत एक अलग ही प्रकार का आत्मिक चित्रण इसमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार हम गोगवे के अन्य चित्रों में कल्पना व यथार्थ का सुंदर समन्वय पाते हैं, जो आप इन चित्रों में देखिए। जैसे उनके रखवाला मृतात्मा, चंद्रमा व पृथ्वी ऐसे ही चित्र हैं। काष्ठ खुदाई मूर्तिकला, इसमें आप देखिए एक मूर्ति है उनके द्वारा बनाई गई। काष्ठकला, मूर्तिकला व रेखा चित्रों में भी गोगवे के कला संबंधी विचार प्रभावी रूप में साकार हुए। प्रभाववाद ने चित्रकला में विषय के महत्व को घटा दिया था। इसके विपरीत गोगवे ने मानवीय सहज प्रवृत्तियों के सामर्थ्य को जानकर उनकी पूर्ति के लिए कलाकृतियों को प्रतीक रूप में बनाने पर बल दिया है। उनके चित्रों का प्रभाव भित्ति चित्रों के समान है। समतल रंगों का प्रयोग, आकारों का अलंकारित्व एवं गतिपूर्ण ऐठनदार व स्पष्ट रेखांकन वगैरह गुण उनकी सहज प्रवृत्तियों पर निर्भर आदिम जीवन की आकर्षण का परिणाम था। टाहिटी के चित्रों के स्वप्निल प्रभाव के बारे में उन्होंने लिखा, हाँ, यहाँ सब विद्यमान है। टाहिटी के समृद्ध निसर्ग को, एक प्रशांत किंतु रहस्यमय वातावरण को यदि हम कला में देखना चाहते हैं तो उसका प्रतिरूप यही है इनके चित्रों में हम देख पाएंगे। सोरा, सेजान, वान गो व गोगवे, इन उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने कलाकार के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन किए व कला
निसर्ग की अनुकृति मात्र नहीं रही। नवीन चित्रकारों को ज्ञात हुआ कि कला की यथार्थ अनुभूति व सृजनशील सहज प्रवृत्ति द्वारा रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार यह उनके कुछ चित्र हैं जो टाहिटी में इन्होंने चित्रित किए हैं। वैसे इन स्लाइडों में आप इनके संपूर्ण जीवन काल के सभी चित्रों को देख सकते हो। इनकी रंग योजनाओं को, इनके संयोजन को, इनके चित्रण को आप देखिए, प्रभाववाद से अलग ही इनके चित्र आपको नजर आएंगे। इन्होंने पवित्र बसंत, मीठे स्वप्न, आनंदमय भूमि, इस प्रकार के चित्र भी इन्होंने चित्रित किए हैं।